नमस्कार, चैतालीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ट्विस्टर पास्ता बनाना। जिसके लिए हमें चाहिए पास्ता, ये 250 ग्राम पास्ता है, प्याज, पास्ता एंड पिज्जा सॉस, सोया सॉस, अदरक लहसुन और हरी मिर्च पीसी हुई, मैगी का हॉट एंड स्वीट टमाटो सॉस, बटर, नमक और तेल। सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर लेंगे। जितना पास्ता हमने लिया है उसका डेढ़ गुना पानी हम पास्ता में डालेंगे। इसे हम एक सीटी लगा लेंगे और चेक कर लेंगे पास्ता सॉफ्ट हुआ है या नहीं। अगर पास्ता सॉफ्ट नहीं होता है तो हम लोग एक सीटी और लगा देंगे। जब तक कुकर का प्रेशर निकलता है हम प्याज को भून लेते हैं। कढ़ाई में हम एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे, प्याज डालेंगे, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसमें बटर डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। प्याज में हम लोग पास्ता एंड पिज्जा सॉस डालेंगे। करीब दो चम्मच सॉस डाला है मैंने। टमाटर सॉस डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे, अब इसमें सोया सॉस डालेंगे। बाउल में थोड़ा पानी डाल के, वो पानी भी मैं डाल रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर का प्रेशर अब निकल चुका है, हम पास्ता चेक कर लेते हैं। पास्ता हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे हम छलनी में निकाल लेंगे। इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई में बॉइल पास्ता डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम लोग पास्ता टेस्ट कर लेंगे। मुझे इसमें थोड़ा तीखा कम लग रहा है, इसमें मैं और थोड़ा टोमेटो एंड चिली सॉस ऐड करूंगी। मैं दो चम्मच चिली सॉस और ऐड कर रही हूँ। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें और चिली सॉस ऐड ना करें। ढक्कन लगा के दो मिनट धीमी आंच पे पकने देंगे ताकि इसमें सब मसाले एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा पास्ता। आपका भी खाने का मन कर रहा है ना, आप इसे जरूर ट्राई करें। बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आता है। ट्विस्टर पास्ता हमारा रेडी है, इसे हम परोस लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे और चीज डालेंगे। इसे आप नाश्ते में या बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।